आप लोग सबा भाभी को देखेंगे ना तो दंग रह जाएंगे, मैंने इतना अच्छा तैयार किया, इतना अच्छा जोड़ा पहना है उन्होंने। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत है तुम्हारा लॉन। हाँ, फूल मुझे बहुत पसंद है, अपनी जान से भी ज्यादा रखती हूँ मैंने। मुझसे भी ज्यादा। अगर यूं ही बिला तकल्लुफ मिलता रहे ना तो हमारे प्यार की टाइम टाइम फिश हो जाएगी। वैसे ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। जानते हो, लेकिन अगर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देने बैठ गई ना तो बहुत देर हो जाएगी और घर में ढिंढोरा पिट जाएगा। यही तो मैं चाहता हूँ कि हमारे प्यार की खुशबू हर सिम्त फैल जाए, हवाओं में, फिजाओं में, हर सिम्त। आहिस्ता। सॉरी। बदनाम करना चाहते हो ना तुम मुझे? अभी किसी से कोई बात नहीं करनी वरना इश्यू खड़ा हो जाएगा इतना बड़ा। इसका मतलब है कि फिर वही बुजुर्गों की मर्जी की मोहताज। बुजुर्गों की मोहताजी में ही इज्जत है, और अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम हमारे इस ताल्लुक को इज्जत दो। इसका मतलब है कि तुम चाहती हो मैं अम्मी अबू से बात करूं। लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा इंतजार करो, अभी तो शादियों का मैराथन लगा हुआ है, ये खत्म हो जाए फिर उसके बाद, वरना इतनी जल्दी एक और शादी। ना बाबा ना, मैं तो बहुत थक जाऊंगी। आहा। सफिया पा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? लड़कियाँ कहाँ हैं? लड़कियाँ कमरे में जारा के साथ हैं। अयाज यूसुफ के कमरे में उसकी किताबों की कलेक्शन दिख रहा है, और मैं क्या देख रही हूँ? जरा तुम भी आकर देखो। देखा तुमने? छोड़े आपा, चले यहाँ से, आइए। मुझे तो हर हाल में खुश रहना है। वैसे सबा बहुत प्यारी लग रही है। कह रही सी कि मैं ए रंग नहीं पाना, मैं शोक कलर नहीं पाना, मैं वो नहीं पाना, तो मैं कहता बेबे इस घर में मेरा हुक्म चलता है, मेरे हुक्म के बगैर जो नाना माने तो मैं उसको बड़ा मारती हूँ। आपके डर की वजह से मान गई होगी। अहमद पुत्र, केहो जी लग रही, सोनी लग रही ना? जी बस सबा कोई चादर या बुरका ले ले तो अच्छा। चादर बुरका? हाँ हाय, ये कोई उम्र है चादर पहनने की? भाई हमारे घरों में ना बड़ा लंबा सा दुपट्टा पहनते। हाँ। अब वैसे भी सबा चादर या बुरका संभाल नहीं सकती। नहीं, अगर अहमद की ख्वाहिश है तो सबा तुम चादर ले लो। आपा मैं गाड़ी में हूँ, आप सबा को लेकर आ जाए। शमसा आंटी, अंदर जाकर सबको कहो चलने के लिए तैयार हो जाए, बहुत देर हो गई है। अम्मी? क्या अम्मी, मत भूलो कि तुम्हारी बहन का ससुराल है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये बेतकल्लुफी उसके लिए ताना बन के रह जाए। अम्मी मैं जानता हूँ, मेरे ख्याल में दोनों खानदान आपस में काफी बेतकल्लुफ हैं। पहले की बात और थी, अब बात और है। मुझे एहसास है अम्मी, लेकिन फिर भी अगर। लेकिन क्या? देखो ऐसा ना हो कि चिंगारी जो यहाँ भड़क रही है ना, इसकी आग हमारे घर तक आ जाए। भूल जाओ सड़की को, हद हो गया, हद होती है, चलने की तैयारी करो। क्या
ये क्या कर रही? वो मैं दादी जी का हुक्म नहीं टाल सकती थी, इसीलिए ये कपड़े पहने। नहीं कोई जरूरत नहीं, ये कपड़े ठीक हैं, अब आप इसी में जाएंगी। अहमद आप क्यों मेरी जिंदगी को इतना मुश्किल बना रहे कि मुझे अपना आप कठपुतली जैसा लगे? एक ही दिन में तुम्हारी जुबान पे शिकायत भी आ गई? मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, मैंने तो सिर्फ रिक्वेस्ट की है कि तुम मुझे जालिम समझती हो? हाँ, जो तुम्हारी शिकायत रिक्वेस्ट बन के तुम्हारे होंठों पे आई हुई है, क्यों भाई? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मैं आपको जालिम नहीं समझती हूँ, मैं तो ये चाहती हूँ कि आप मुझे समझने की कोशिश करें, हमारे रिश्ते की नौयत को समझने की कोशिश करें, ये समझें कि हमसे जुड़े रिश्ते हमसे कितनी उम्मीदें चाहते हैं। अच्छा बस, ये अपनी किताबों का रोब तो मुझ पे बाद में झाड़ दो। चलो नीचे अम्मी जी इंतजार कर रही, चलो। चादर? नहीं कोई जरूरत नहीं है। अच्छा वो आप अगर दोपहर को जल्दी आ जाएं मुझे लेने, मैं चाह रही थी कि जारा की सारी तैयारी मैं खुद करूं, भाभी हूं ना वो भी बड़ी, तो चलो आ जाऊंगा। तुझे एक पढ़ी लिखी तमीज वाली कुड़ी लग गई है, तूने तो उसे एक दिन में पागल कर दिया है। सबा की माँ को खबर हो गई है, किधरे है ना होवे कि सबा की आंख के आंसू तेरी बहन का मुकद्दर बन जाए। तो दादी मैंने कहा था वटा सटा करे, मेरी बीवी है उसको मेरी मर्जी के मुताबिक रहना चाहिए, और वो रहे। ओए चलिया अपनी बीवी को अपने पीछे पीछे नहीं चलाते हैं, सारा कार बर्बाद हो जाता है। क्यों माँ जी? शमसा की आंखों में शिकायत थी। तो होगी, तेरी दादी ठीक कह रही है। ओए बेटी जाके माँ को ना भी कुछ बताया ना, फिर भी माँ को पता लग जाता है। शमसा बेगम बेटी को रुखसत करने के बाद आंखें बंद और दिल खुला रखना चाहिए, तभी समझाने से निभा हो सकता है। मैं अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती, मुझे अपनी बेटी की आंखों में दुख नजर आता है। जो माए बेटी की आंखों में झांकती रहती है, दुख तलाश करती रहती हैं, ना वो खुद कभी सुकून से रहती हैं, ना बेटी को रहने देती। तो फिर ये कसूर भी मेरा ही है कि मैं अपनी बेटी के दुख पर दुखी होकर आपसे शिकवा कर बैठी। शमसा बेगम शादी एक खुले सरात है, हर बच्ची एक ही दिन में पार नहीं कर लेती। कुछ बच्चियां घबरा जाती हैं, अपनी आंखों में आंसू और वसवसे भर लेती, जो माओं को दुख नजर आता है। आपको अब कौन समझाए? आप क्यों नहीं समझ जाती कि आने वाला कल गुजरे हुए आज से बेहतर साबित हो सकता है? कल की आज तो अब उम्र भर का इंतजार बन गया, बेटी को खुश देखने की हसरत तो अब मेरे साथ कब्र में ही जाएगी। अल्लाह ऐसी हसरत को तुम्हारे दिल में पनपने न दे, ये तो तुम जानती हो ना कि तुम्हारा हर अंदाजा गलत साबित होता। अल्लाह करे ये अंदाजा भी आपका झूठा ही हो, आप भी बेटी की आंखों में झांक कर देखिएगा, हो सकता है आपका तजर्बा मेरे अंदाजे को झूठा साबित कर दे। वैसे माँ का अंदाजा और वहम कभी झूठा होता तो नहीं, अल्लाह करे हो। तुम छुपा रही हो ना, मुझे लगता है कि तुम्हें गलत लगता है। देखो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ ये बात ठीक है कि अहमद मिजाज के थोड़े से मुश्किल हैं, लेकिन इतने बुरे नहीं हैं। उन्होंने मुझे उस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जिस तरह से मैं सोचती थी, यही कहलवाना चाहती हो ना? तो यही सच भी है सबा, एक दिन के एक्सपीरियंस से मैं पूरी जिंदगी का फैसला नहीं सुना सकती।
मैं इम्तिहान में बहुत मेहनत करने की आदी हूँ, तुम्हारी तरह शॉर्टकट्स की तलाश में नहीं रहती। फैसल भाई, अरे भाई आप पता क्या ही गए ना? चला जाऊंगा यार, क्या हो गया? तुम खुश हो ना अपने घर में? मैं खुश हूँ, आप लोगों ने मुझे इतने प्यार करने वाले लोगों में भेजा है, मैं भला खुश क्यों नहीं होंगी? सबा भाई शायद अहमद भाई के बारे में पूछ रहा। एक तो बट्टे सट्टे की शादियों में ना ये बड़ा प्रॉब्लम है कि भाइयों को हमेशा बहनों की फिक्र होती है। भाई अब आप अहमद के बारे में नहीं सिर्फ जारा के बारे में सोचें, वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत लविंग है। हाँ बस ये तो है, सारा और जारा दोनों ही बहुत लविंग है। चलो तुम दोनों आपस में बात करो, मैं जरा काम निपटा के आता। एक ही दिन में काफी अच्छी एक्ट्रेस बन गई हो, तुम भी बन जाओगी, बनना पड़ेगा। अगर नहीं बनोगी तो अम्मी अबू सारी जिंदगी परेशान रहेंगे। देखो शमसा, अगर तुम शिकायत करोगी तो जारा को बुरा लगेगा और अहमद भी बुरा मानेगा कि उसकी बहन को बदनाम किया जा रहा है। आपा मैं शिकायत कब कर रही हूँ, मगर हमाद को मैं इस दलदल में नहीं फंसने दूंगी। तो फिर ऐसा करो कि चुपचाप मिसेस फारूकी से बात कर लो और फैसल की वलीमे के दिन हमाद की मंगनी का ऐलान कर दो। लेकिन आपा मुझे अंसारी से और हमाद से भी तो पूछना होगा। अंसारी की फिक्र ना करो तुम, मैं उससे बात कर लूंगी और हमाद को बताने की जरूरत ही नहीं है कि फारूकी की बेटी से उसका रिश्ता तय हो रहा है। हाँ ये ठीक है, बारात में मिसेस फारूकी तो आ ही रही हैं, मैं इशारों इशारों में उनसे बात कह दूंगी। लेकिन आपा आपने मेरे साथ वहाँ चलना है, मैं इस लड़की को अपनी बहू बनाने वाली नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साथ, तुम फिक्र ना करो। अब अहमद आने वाला है तो उसके खाने पीने का तो देख लो। और मैंने खान सामा से कह दिया। नसीर हमाद पागल हो गए, ये कैसे हो सकता है? आपा मुझे एक बात बताएं, आपको सारा में कोई बुराई नजर आती है? अगर मैं चाहूं भी तो सारा में बुराई नहीं ढूंढ सकती, लेकिन अम्मी अबू मेरे ससुराल वाले। अरे आप अम्मी अबू की वजह से परेशान मत हो, उनको तो मैं मना लूंगा, लेकिन आपके ससुराल में मेरी सिफारिश तो आप ही ने करनी है और खासतौर पर अहमद भाई। अहमद के सामने मेरी वो पोजिशन तो बनने दो कि वो मेरी बात का भरम रख सकें। आप ही प्लीज, आप कुछ भी करें। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन हथेली पे सरसों जमाने की कोई जरूरत नहीं है। इसे सारा अच्छी लड़की है, लेकिन क्या अभी अभी आप हौसला दे रही थी और अभी मेरी हिम्मत तोड़ रही है? मेरा हौसला मेरी हिम्मत हमेशा तुम्हारे साथ, लेकिन ये जो रिश्तों के ताने बाने होते हैं ना ये बहुत पेचीदा होते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरा भाई उनमें उलझ के रह जाए। लेकिन आप ही ये ताने बाने डोर भी तो बन सकते हैं, रिश्तों की अटूट डोर। जरूर बनेंगे। तुम जारा को इस घर में आने दो, फिर तुम उसे भी मनाते रहना, वहां मैं कोशिश करती रहूंगी, ठीक है? हाँ लेकिन वो फुफ्फो और अम्मी का क्या होगा? उनकी फिक्र छोड़ दो, वो मैं संभाल लूंगी। प्रॉमिस प्रॉमिस, अब तुम जाओ, मुझे तैयार होना है, अहमद मुझे लेने आते ही होंगे। हाय तुसी की हुक्का पी रहे हो, परा घर में लस्सी बना के ले आई थोड़े। ओ जी ओंदी रे, तू मेरा बहुत ख्याल रखती है। हाय दे क्यों ना रखा, आखिर तू मेरा चाचा है ना, हां और किसका ख्याल रखूं। अच्छा और सुना फिर, अली की तुमने कोई बात बात की मंगनी शंगनी? ओ शादी ब्याह का हंगामा जरा खत्म हो जाए तो मैं गल पक्की करके जाऊंगा। अच्छा तो अली से तूने पूछ लिया है? ओ ना पुत्र ना, अली से क्या पूछना, साडे पिंडा थावा विच तो बेशर्मी होंदी है। हाय फिर भी चाचा, अली पढ़ा लिखा लड़का है, देखना पूछना तो जरूरी होता है ना। अब देख भाई कमाले ने कितनी जबरदस्ती की है उन दोनों के साथ, ना अहमद से पूछा ना बेटी से पूछा, जरा भी नहीं खुश लगता मुझे अहमद, 12 बजे होने मुंह दे उत्ते। और कमाले की तो मत मारी गई है,
अपना पुत्र उसने गैरों के हवाले कर दिया। बिरादरी में शादी करी होती तो जमीन और जायदाद भी मिलती और बिरादरी पर रोब भी रहता। हाँ चाचा, तभी मैंने सोचा है कि मैं ना अपनी राबिया का ब्याह जड़ा है ना अपने रिश्तेदारों विच ही करांगी। बिल्कुल, वो तो गैर जो होते हैं ना वो बड़े मुश्किल होते हैं। तेरी नज़र में है कोई लड़का? एक तो मेरा भाई है, उसकी तो कभी नज़र ही नहीं पड़ी मेरी बेटी पे बेचारी पे। और तू फिक्र ना करे दिए, मैं कमाल ले और भरजाई से गल करके जाऊंगा। और वैसे मुझे तो यूसुफ भी बहुत पसंद है। सच चाचा? हाय, तेरा तो बड़ा ही एहसान होगा मुझ पे। वैसे मुझे तो अली भी बहुत ही पसंद है। ओ बेड़ा तरे, तू मैंने पहले क्यों नहीं दसा? मैं भाई कमाले और भरजाई परवीन के सामने सारा का नाम ही ना लेता। वैसे यूसुफ बहुत अच्छा लड़का है और तेरी दी तेरे घर में ही रहेगी, क्यों? हाँ ये तो है, तू बात जरूर करी, मैं तेरा हुक्का ताजा करके लाऊं। और रहन दे, मैं जरा बाहर जाके देखता हूँ कि मुंडों को काम वाम सही किया कि नहीं किया बारात और वलीमे का। वो 3-4 दिन में दफ्तर जाना शुरू करूंगा तो फिर टाइम ही कहां मिलना है। एक तो तुम्हारे वालिद ने कारोबार बहुत फैला लिया अपना। माजी, आप कब कर रही हैं सारा की शादी? तो माशाल्लाह बड़ी हो गई है। बस दुआ करो, इरादा तो कर लिया रिश्ता करने का अली से। तुमने देखा होगा अली को, बड़ा चंगा मुंडा है। दादी जी इतनी जल्दी क्या है? अली तो अभी पढ़ रहा है ना, और कौन सा सारा की उम्र निकले जा रही है। अगर उम्र नहीं निकल रही तो क्या हुआ, लड़कियों की शादी जल्दी कर देनी चाहिए, जमाना ठीक नहीं है। अम्मी जमाना ठीक है, लेकिन एक दूसरे को समझना भी तो बहुत जरूरी है। हमने भी तो तुम्हारी शादी बहुत कम उम्र में कर दी थी, हमें तो सोचने समझने का वक्त नहीं मिला। क्यों भाई शमसा, तुझे पछताना तो नहीं ना पड़ा? ये तो वक्त ही बताएगा। क्यों अंसारी भाई, वक्त ने तो बता दिया, देखो हमारे बच्चे कितने खुश हैं। क्यों सब? मैं बहुत खुश हूँ अब्बू जी, आप अहमद से भी पूछ लीजिए। सकीना, गाड़ी में सारे गिफ्ट्स रखवाओ और देखो सारे इंतजाम हो गए। सारा प्लीज फोन उठाओ। हेलो सारा। हमाद। सारा मेरी सभा से बात हुई है, वो हमारा साथ देने के लिए तैयार है, वादा किया है उसने। कुछ तो बोलो सारा। सभा ने वादा किया है तो फिर मैं भी तुमसे वादा करती हूँ तुम्हारा साथ देने का। सारा कल सभा की बारात जिस तरह से आई थी ना, वो कुछ समझ नहीं आया मुझे। और लड़कियां और औरतें जिस तरह नाच रही थी, वो तो मुझे तो बहुत ही शर्म आ रही थी। वो बात सुनो ना जरा, अच्छो बांदरी बेगम, चीप चूप किसको कह रही हैं? लेकिन मॉम ने मुझसे वादा किया है कि जब मेरी बारात लेके आएंगे, जो इवेंचुअली आपकी भी होगी, तो उसमें बैंड बाजा बारात सब कुछ होगा, बड़ा नाचेंगे गाएंगे। अच्छा, मुझे जरूर इन्वाइट कीजिएगा जी, मुझे बारात का ढोल ढमाका बड़ा पसंद है जी।